हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिर नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इसका टाइटल है सो आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं किर्गिस्तान पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन और इनके चैनल का नेम है SDS ब्रांड। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड करने की कोशिश। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। और अब तक खबरों के मुताबिक सोशल मीडिया पे जा रही है 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानें जा चुकी हैं और सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि 10 के करीब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट लड़कियां हैं उनके साथ ज्यादती, मतलब वो नहीं इंजर्ड तो 400-500 के करीब हैं जो खबर चल रही है। तो क्या समझते हैं इतना डिले क्यों किया जा रहा है हमारी एम्बेसी की तरफ से? अभी खबर ये आ रही है कि भाई इसके ऊपर एक्शन लिया गया और कोई फ्लाइट पहली आई भी है। अब यही हो सकता है कि इनकी जब आंखें खुली होंगी और जब सोशल मीडिया पे नॉइज लेवल जो है वो जब बना है तो इनको जो है वो जान के लाले पड़े होंगे। आपको पता है कि ये सोए रहते हैं और है। दुनिया में कोई भी खबर है सबसे पहले हमारे हुक्मरानों को पता चलती है। सबसे स्लगिश डिले जो रिस्पांस होता है हमारी गवर्नमेंट्स का होता है। दुनिया में कहीं भी देख लें, किसी भी मुल्क में हमारे पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं और एम्बेसडर लेवल के ऊपर जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोई भी यहाँ सिस्टम जो है वो मौजूद है। और इसमें एक एग्जांपल रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी तो यूक्रेन में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट थे खबर ये आ रही थी सोशल मीडिया पे, चीजें सामने आ रही थी कि उन्होंने इंडिया के फ्लैग को पकड़ के उसका सहारा लेके वहां से निकलने की कोशिश की, मतलब वो इतने क्विक है इंडिया वाले या दूसरे कंट्री वाले। इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जाने बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे, हम तो कहीं भी नहीं है, वी आर नो वेयर इन द वर्ल्ड। हम सिर्फ हमारी सिर्फ एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन है, हम वहाँ सिर्फ बैठे हैं और उनके जो लोग हैं उनकी एम्बेसीज यहाँ प्रोएक्टिव है, उनको एक एक बंदे का पता होता है, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, कोई हमारे वजीर आला से मिल रहा है, कोई वजीर आला KPK से मिल रहा है, कोई किसी ब्यूरोक्रेट से मिल रहा है, कोई किसी जज से मिल रहा है और वो यहाँ आके काम करते हैं। और वैसे शायद वहाँ जाके सो जाते हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन पाकिस्तान में कोई फॉरनर आता है कत्ल भी कर देता है तो रेमन डेवस की जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ या देना चाह रहा हूँ तो वो इधर से चला जाता है। वो तो पाकिस्तानियों का खून तो कौम फरोख्तंद विच अर्जा फरोख्तंद, हमारा तो खून जो है वो उसकी कीमत कोई नहीं है, ठीक है। जितने में चाहे भेज दें, कंटेनरों में रख के भेज दें और अमेरिका को अगर तालिबान चाहिए तो यहाँ कंटेनर पे भर भर कर उनको भेज दें, पैसे दें, डॉलर फेंके और हमसे बंदे जितने मर्जी लेते हैं। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये भाई ने जो बात की है मुझे तो सुन के मतलब ऑथेंटिक बात की है, थोड़ी गुस्से में की है लेकिन बड़ी ऑथेंटिक। आप क्या कहना चाहेंगे, ये खबर सुनी आपने, कैसे सुनी, क्या लगता है ये सच होगा झूठ होगा, ऐसे ही सोशल मीडिया पे बात वायरल होगी? जी जी बिल्कुल, मैंने ये खबर सुनी है और सोशल मीडिया के थ्रू ही सुनी है, खासतौर पे टिकटॉक पर ये बहुत ज्यादा ये चल रही है और एक बड़ी मशहूर टिकटॉकर है, मेरा ख्याल है डॉक्टर आलिया शुएब करके उनका कोई नाम है, तो उन्होंने वो भी वहाँ पे पढ़ने गई हुई है, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो है ना ऑफिशियल चैनल पे उन्होंने एक वीडियो बनाई है एक बंद कमरे में बैठकर और वो कह रही हैं कि ये सारा कुछ जो है इसके अंदर हकीकत है। वो एक्सप्लेन क्या कर रही हैं? वो एक्सप्लेन ये कर रही हैं कि ये जो सारा मामला हुआ है वो हॉस्टल्स के अंदर घुस के जो वहाँ के लोकल्स हैं वो वहाँ पर खास तौर पे पाकिस्तानियों को, बंगालियों को और इंडियंस को वहाँ पर वो ढूंढ ढूंढ के उनको जो है वो जदोकोप कर रहे हैं और उनकी जो है वो वहाँ पर इज्जतें महफूज नहीं है। कह रही है कि वो उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर तकरीबन कल रात से लाइटें बुझाकर बैठे हुए हैं, सही है, और ये उन्होंने वहाँ पर खिड़कियाँ तोड़ दी हैं, दरवाजे तोड़ दिए हैं वहाँ पर आके, और या वहाँ की ना उनकी कोई जो लोकल पुलिस है वो कोई उनका साथ दे रही है और ना एम्बेसी की तरफ से कोई जो है वो उनकी हेल्प की गई है, ठीक हो गया। तो ये मेरे नजदीक ये एक सही खबर है, खबर सही है लेकिन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान एम्बेसी जो वहाँ पे मौजूद है उनकी तरफ से जो एक्शन लिया गया आपको लगता है कि क्विक एक्शन है या थोड़ा लेट? कोई एक्शन मेरा ख्याल है अभी तक तो लिया ही नहीं गया। नहीं अभी खबर न्यूज में नहीं है, मेरे अभी खबर ये आ रही है रिसेंटली जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस टाइम से 5-10 मिनट पहले खबर ये आई है कि पहली फ्लाइट शायद वहाँ से रवाना हो चुकी है स्टूडेंट्स को लेके। अगर ये ऐसा है तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त है, दुरुस्त है। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और ये कुछ दिन पहले की बात है, आई थिंक 1 वीक पहले की या इसी लास्ट वीक के दौरान की ये बात है।
काफी ये वायरल ये चीज भी हुई है कि इस तरह से यूनिवर्सिटी में पता नहीं लोगों पता नहीं कौन लोग हैं वो, या तो फिर ये कर्गिस्तान के लोकल लोग हैं वो, मतलब घुस के इतनी अलाउ उनको किसने किया कि वो मतलब घुस कर, और जो इधर उधर से लोग दूसरे ममालिक से पढ़ने आए हैं स्पेशली जो उन्होंने नाम लिया कि पाकिस्तानी है, इंडियन है और एक और बांग्लादेशी, उनको मतलब क्यों जो है वो जदोकोब किया जा रहा है, और बहुत सारी जो बच्चियां हैं उनको हरास किया जा रहा है, उनकी इज्जतें वहां पर महफूज नहीं है, उनकी इज्जतों से भी खेला गया, यहां तक जो है ना न्यूज सुनने में आई। और जैसे इन भाई साहब ने भी बताया कि जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है आलिया शाह आई थिंक या जो भी इन्होंने नाम लिया, वो वहां पर खुद पढ़ रही है और उन्होंने अपनी आप बीती जो सुनाई है, तो ऐसी बात है वो गलत तो नहीं सुनाई ना। अब ये इसके ऊपर कितना भी पर्दा डाला जाए कि नहीं यार कुछ वो हुआ था आपस की थी, जाहिर सी बात है नाम जो है ना वो गवर्नमेंट ने कोई भी खुद पे तो लेना नहीं है, वो डाल देना कि भाई इनकी आपस की कोई थी, रंजिशें चल रही थी या जो भी है, तो वो उन चीजों का नाम इस चीज को भी दे दिया जाएगा और बात जो है ना वही बात के वो हो जाएगी। जैसे कि इन्होंने बोला कि पाकिस्तान में कोई भी आकर जो है ना यहाँ पर मार देता है, किसी को भी कत्ल कर देता है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी किसी भी शहरी का जो है ना वो खून की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब हमें वो है डॉलर फेंक और तमाशा दे, कोई वाली बात है कि डॉलर जो भी कोई देगा ना पाकिस्तान को, तो मुझे तो लगता है कि वो जैसे कि यहाँ पर जितने भी, मैं एक दिन यही सोच रही थी, मैं कहती थी अगर कोई भी इनको डॉलर दे और ये कहना कि आपके जितने भी मुल्क में कोई इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वैसे तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है पाकिस्तानी डिग्री की, लेकिन फिर भी वो कहना कि वो हमारे मुल्क में भेज दो काम करने के लिए, और फिर आप लोगों ने इनकी बात नहीं पूछनी, तो ये लोग यही कहेंगे, इन लोगों को ये चूना लगाएंगे कि यार आपको बाहर नौकरियां मिल रही हैं, और बाद में वो बेचारे वहां पर स्टक होकर रह जाएंगे, क्योंकि लोगों ने पैसे खा लिए होंगे, ना वो वहां से वापिस आ सकेंगे और ना जो है वो कोई अपनी लाइफ सेटल कर सकेंगे। तो मुझे तो लगता है कि आइंदा चंद सालों में ना यही होने वाला है कि डॉलर जो भी इनको दिखाएगा ये लोग कुछ भी करने को तैयार जो है ना वो हो जाएंगे। वही वाली बात के खुद पे इन्होंने बात नहीं आनी, मतलब हमारी जो पाकिस्तानी एजेंसीज हैं वो कहाँ पे हैं, सोई नहीं है, क्या कर रही है जो किर्गिस्तान में जो है, उनको क्यों नहीं वो क्यों नहीं, मतलब यहाँ पर चाइना के जो बंदे मारे गए थे उन्होंने स्पेशल टीम भेजी थी अपनी, हालांकि बड़ी दोस्ती के दावे करते हैं कि भाई दोस्त हैं हम लोग, बचपन से कह रही हूँ शुरू से, मतलब ये दो मुल्क जो है ये दोस्त हैं, तो मतलब फिर वो दोस्ती कहाँ गई, उन्होंने बिलीव नहीं किया इनकी बात पे, खुद अपनी टीम भेजी, पूरा इन्होंने मायना किया, फिर जब उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन हुई फिर उन्होंने जो है ना इस चीज को एडमिट किया और वापस जो है ना वो अपनी टीम बुलाई थी। तो इन लोगों के ये क्या कहाँ पे ये लोग सोए हुए हैं, बाकी चीजें जिस तरह से इम्पोर्टेंट है ना ये भी चीजें इम्पोर्टेंट है, मतलब ये आपकी मुल्की वो कहते हैं ना कि सालमियत को भी इफेक्ट करती हैं, बाकी मुल्क भी देख रहे होते हैं कि यार इनको कोई परवाह ही नहीं है अपने स्टूडेंट्स की, वो अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो इनको कोई परवाह नहीं है, मतलब जाएं उनकी भाड़ में जाएं, सिर्फ उनकी फैमिली से जब आप बाहर पढ़ते हो ना मुल्क से दूसरे मुल्क के लेवल की बात हो जाती है, तो फिर फैमिलीज की बात ही रहती है, फिर अपर लेवल की बात होती है, फिर ये मुल्क की इज्जत रिस्पेक्ट की बात आ जाती है कि यार इनको कोई परवाह ही नहीं है अपने मुल्क के, फिर वो जाहिर सी बात है उन्होंने पाकिस्तानी की हैसियत से जाना जाना है, उन्होंने इंडियंस की हैसियत से जाना जाना, शायद उन्होंने ये नहीं बताया कि इंडियंस ने कोई स्टेप लिया या नहीं, बांग्लादेश वालों ने, क्योंकि तीन मुल्कों का नाम लिया था ना, तो अगर आप लोगों को पता तो आप लोग भी जरूर कमेंट में बताइए। अच्छा यार ये जो बाहर के मुल्क में मतलब एम्बेसीज होती है इनका फिर मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है, जाहिर बात है अगर आप ठीक है तो वो अपर लेवल पे गवर्नमेंट के लेवल पे होती है, लेकिन जब आपके वहाँ पे शहरी किसी मुश्किल में हो ना तो ये एम्बेसीज वगैरह ही काम आती है। मुझे इतना ज्यादा दुख लगा अभी जब हमने वीडियो में देखा, और ये उस टाइम भी मैंने सुना था जब यूक्रेन और इसराइल वालों की जो है वो जंग हो रही थी, हमारे इतने ज्यादा स्टूडेंट जो है वो बेयारों मददगार थे, बहुत लेट जाके इन्होंने फ्लाइट जो है वो स्टार्ट की थी और वहां से स्टूडेंट्स को जो है वो लेकर आए थे। अब यहाँ पे देखिए जैसे अभी वीडियो में भी इन्होंने बताया कि जो पाकिस्तानी फ्लाइट जब यूक्रेन और इसराइल वालों की जंग हो रही थी तो वो इंडियन फ्लैग पकड़ के जो है वो उनका सहारा लेके जो है वो अपनी जाने बचा रहे थे, मतलब शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि आपकी एम्बेसी होने के अगर उधर आपकी एम्बेसी मौजूद है तो वहां पर आपका होने का मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है, जगह अगर आपने किसी दूसरे मुल्क का सहारा लेके अपनी जानों को बचाना है तो यहाँ पे भी, और अगर यही काम अगर पाकिस्तान में हुआ होता ना मतलब लोकल लोगों ने जो है किया होता ये गैर मुल्की स्टूडेंट्स के साथ तो पाकिस्तान की इतनी की बदनामी होनी थी हर जगह पे, मेरे से यूएनए में भी जाके इन्होंने कहना था कि यार तुम्हारे कंट्री में ये हुआ दूसरे स्टूडेंट के साथ तो तुम लोग क्या कर रहे हो, कोई सिक्योरिटी नहीं है कोई कुछ नहीं है, और हॉस्टल में जाना जैसे वो कहते हैं कि हॉस्टल में जाके शीशे वगैरह तोड़ के स्टूडेंट को ज्यादा कोप किया वहां के लोकल लोगों ने, तो मतलब किस किस्म की फिर आप लोगों की सिक्योरिटी, या तो फिर ये गवर्नमेंट लेवल का मेरे ख्याल से खुद भी शामिल होंगे क्योंकि हॉस्टल में तो आपको ऐसे जाने नहीं देते, दूसरा ये तो आम बेचारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे किसी का हाल पूछने को नहीं है, जो हमारे इतने मशहूर जो है वो जर्नलिस्ट जिनको कीनिया में जिनका हुआ था यार यहाँ वहाँ इन्होंने अपनी अभी तक कोई इन्वेस्टिगेट वाली वहाँ पे टीम ही नहीं भेजी कि जाके पूछा जाए कि भाई उनकी जो है वो कत्ल किस वजह से हुआ है, अभी तक उस मामले को दबा के रख दिया और कोई जो है उस बारे में अभी तक जो है वो बात भी नहीं करता कि उनका कत्ल जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, तो फिर ये तो फिर बेचारे स्टूडेंट तो यहूदी थे
खुद थे या फिर जो भी थे, लेकिन फिशा जी ने इसीलिए जो है इनको किसी के वो कहते हैं ना, अभी जैसे इन्होंने भी कहा, जैसे आपने भी कहा कि आवाम की जो है ना वो खून का इनको कोई एहसास ही नहीं है, क्योंकि ये खुद लोग जो है वो मरने मराने में जो है वो मेरा से माहिर होते हैं, इनके लिए अगर इंसानी जान इतनी इंपॉर्टेंट हो तो ये जो है वो इनको ख्याल हो कि यार ये कितना कीमती है। एक स्टूडेंट बेचारा जो है सब कुछ अपना घर बार छोड़ के जो है वहां पे तालीम हासिल करने जा रहा है, वहां पे बच्चियों के साथ जो वो ज्यादती हो रही है, ये कोई जो आम छोटी बड़ी बात नहीं है। अब इतने दिनों बाद जाके जो है आपने फ्लाइट भेजी है कि जी हाँ हम स्टूडेंट्स को जो है वो वहां से लेके आ रहे हैं, उनके साथ सब कुछ हो चुका है, बिल्कुल, तो ये मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है, वैसे ही बदनामी है। जब तक आप अपने लिए खुद स्टैंड नहीं ना लोगे, और आपका स्टैंड है भी क्या, दूसरों की तरफ आप देखते रहते हो हर एक मुल्क से, तो आपने कटोरा लेके भीख मांगना शुरू कर देनी है, आपका ना अपना कोई मौका है ना कोई स्टैंड है, तो मेरे ख्याल से फिर दूसरा भी है, जब किसका कोई स्टैंड नहीं ना होता तो फिर उसके साथ किसी किस्म का होता है कि यार इसने कौन सी कोई बात हमें कर लेनी है, अगर करेगा भी तो हमारे कर्जों के नीचे इतना दबा पड़ा हुआ है तो हमसे ही आगे से सुनेगा, तो मेरे ख्याल से इसलिए कुछ आगे से बकवास करते नहीं है। और बेचारी आवाम जो है वो हर तरफ से पीछे जा रही है, अपने मुल्क में तो महफूज है नहीं, बाहर के मुल्कों में भी महफूज नहीं है। सो तो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पढ़ने हैं, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।